नठल्ली बन जाएंगे, ये असली मुद्दा। यदि आंटी आप बोलो ना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, विधवाओं को मिलता है, मिलता है ना, आपको मिलता है पैसे? आप मेरे को तो पेंशन लगे। अच्छा हस्बैंड की पेंशन है आपको, बहुत अच्छा है। पर जो विधवा है ना हम उनके साथ है, उनको मिलना चाहिए पैसा। पर जो विधवा हुई ना उनकी जो कर रही थी तो भी ना, हाँ जी, तो उनको ही मिल सकता हूँ पैसा, मना कर रहे करोड़ा मरे ना उसकी पेंशन लगी रही माथे। आपको नहीं मिलेगी, आपको पति की पेंशन मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो है ना जिनके हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, अच्छा, और उनकी डेथ हो गई है, उन औरतों को मिलते हैं, हाँ, उनको मिलने चाहिए। हाँ, बाकी जैसे नॉर्मल हम लोग है, हम कमा सकते हैं, दो हाथ दिए हुए हैं, कहीं दिहाड़ी लगाओ, कहीं कोई काम करो, आप कोई सिलाई सीखो, कपड़े सिलो, 100 चीजें होती है कमाने की। पर हम 1500 रुपए के लालच में औरतें आज निठल्ली हो गई है, कोई काम नहीं करेगी। बेकार की स्कीम है ये जो 1500 रुपए दे रही है। यदि करना कुछ काम करो, यदि नहीं है काम हमारे पास आ जाओ, हम देंगे काम। काम 100 प्रकार के काम होते हैं, खेतों में किसी से मजदूरी करवा लो, क्या उसको दिहाड़ी नहीं देते? अरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सो वेलकम है अंशुल ब्लॉग चैनल में। तो गाइज, आज हम हैं हमारे पंचायत के BDC मेंबर यानी कि आशा जी के साथ में यहाँ पे। और मैंने सुना है गाइज के 1500 जो रुपीज जो लेडीजों के लिए हिमाचल में जो स्टार्ट हुए थे वो मैक्सिमम जो है मिल रहे हैं, तो यही कंफर्म करने के लिए आज हम आशा जी के पास आए थे। तो आशा जी प्लीज हमें बताएं कि क्या अब सभी को, सभी महिलाओं को यहाँ पे हमारे घुमती पंचायत में 1500 मिलना स्टार्ट हो गया है? जी इतना तो नहीं मैं जानती, पर हाँ कुछ लोगों का मेरे पास आते हैं, जैसे मानदेव ने तो उन्होंने बताया था कि हाँ हमें 1500 रुपए आ रहे हैं। जैसे यहाँ नजदीक का ही गांव है, सोईली गांव है, सुनने को आया, सुनने को आया है, अभी कंफर्म नहीं है। नहीं कंफर्म। तो क्या अभी लेटेस्ट जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे उनके आने स्टार्ट हुए होंगे? नहीं अभी नहीं आ रहे। अच्छा जी, इसमें अभी काफी टाइम लगेगा, फॉर्म चेक किए जाएंगे, जो इस क्राइटेरिया में आता है जी 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 उन्हीं को ये 1500 रुपए मिलेंगे। अच्छा जी, अच्छा, तो थोड़ा सा बताएं आप क्या बोलते हैं इस बारे में कि जैसे हमारे भूमती में अगर जिन महिलाओं को नहीं मिली तो मैक्सिमम वैसे कितना सा टाइम लग जाएगा प्रोसेसिंग में? ये पहले था कि सभी को, पहले तो इन्होंने कहा था कि हम सभी महिलाओं को देंगे, फिर धीरे धीरे कंडीशंस बहुत सारी लगा दी इन्होंने, उस वजह से अब ये चेकिंग कर रहे हैं हर एक की क्राइटेरिया की कौन किस उसमें आता है, 1500 के इसमें आता भी कि नहीं आता। हाँ, अभी मैंने लेटेस्ट न्यूज़पेपर में देखा था कि अब जिनके फॉर्म चले गए हैं उनकी दोबारा से चेकिंग होगी, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई हाँ जी, हाँ तो जी, फिर उनके खिलाफ जो कोई कार्रवाई भी, कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कह सकते हैं हम, तो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते जी। बाकी ये तो महिलाओं को भी देखना चाहिए थोड़ा सा कि 1500 रुपए के लिए उनके मायने रखते हैं। आप किराया देख सकते हैं बसेस में दोबारा से, शायद किराया महिलाओं का जो बंद था, अब जो 1.5 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही थी उसका भी कुछ सुनने में आ रहा है कि बंद कर दी गई है। वो भी अब वो फ्री वाली बिजली भी खत्म, वो 1500 रुपए दे रहे हैं ना, ये 1500 रुपए से आप चाहे बिजली लीजिए चाहे किराया बस का दीजिए। अच्छा जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है और सभी महिलाओं से भी है जो माताएं बहनें हमारी, कि क्या 1500 रुपए मिलना चाहिए महिलाओं को या नहीं मिलना चाहिए? फ्री की तो जितना मैं एक महिला स्वयं एक महिला हूँ जी, जितना मैं चाहती हूँ कि फ्री की चीजें कोई भी नहीं मिलनी चाहिए। यदि मिलनी चाहिए तो हमें शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधित कोई चीज फ्री की होनी चाहिए। 1500 रुपए की स्कीम है, ये बहुत गलत है। अभी एक आंटी जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। आंटी जी, आपको क्या लगता है कि भी 1500 रुपए जो मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आंटी जी आप कहाँ से हैं? चौंटू से है। और आपका नाम क्या है? प्रेमी देवी। प्रेमी देवी आंटी जी हमारे साथ है। तो आंटी जी, जैसे अभी मैंने आशा जी से पूछा कि 1500 रुपए क्या मिलने चाहिए महिलाओं को कि नहीं, तो आपको क्या लगता है मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। अभी आप मना कर रहे थे कि नहीं मिलने चाहिए। मिलने चाहिए तो क्यों मिलने चाहिए? तो जो विधवा है ना उनको तो लगी पेंशन, उनको तो नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो जो दूसरे उनको तो मिल सकते हैं। हाँ, पहले 50% था किराया महिलाओं के लिए और अब वो पूरा कर दिया गया। तो अब क्या लगता है आपको कि मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए?
अब नहीं मिलनी चाहिए। तो गाइस सभी की हालत जो है ऐसी है अभी, मैं जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ हाँ ना ना, हाँ हाँ ना ना। तो अब अगर आप लोग भी हमारी इन दोनों माताओं बहनों से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।